चंडीगढ़ में रहने वाली नितिका सोंखिया ओल्ड ब्रोकन या फिर अनवांटेड ज्वेलरी को अपसाइकिल करके एकदम नया बना देती हैं। पर नितिका आर्टिफिशियल ज्वेलरी को अपसाइकिल क्यों करती हैं? वो कौन कौन सी ज्वेलरी अपसाइकिल कर सकती हैं? और क्या नितिका हमारी पुरानी ज्वेलरी को भी रिडिजाइन करेंगी? ज्वेलरी पहनना सबको ही पसंद है, फिर चाहे वो गोल्ड की हो, सिल्वर की या फिर आर्टिफिशियल। अब गोल्ड और सिल्वर तो एक एक्सपेंसिव मटेरियल है, तो इससे बनी ज्वेलरी जब टूट जाए तो हम इसे रिपेयर करा लेते हैं। पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर खराब हो जाए तो हम इसे ज्यादातर फेंक देते हैं, जो वेस्ट का बहुत बड़ा रीजन तो नहीं है, पर एक्चुअली में आर्टिफिशियल ज्वेलरी के पार्ट बहुत छोटे होते हैं और जब ये ट्रैश में मिल जाते हैं तो इनका रिसाइकिल हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है और ये कई सालों तक ट्रैश में पड़े रहते हैं। इसी प्रॉब्लम को नोटिस किया नितिका सोंखिया ने। मुझे बचपन से ही अपसाइक्लिंग की इम्पोर्टेंस पता थी। मैंने अपनी मम्मी को पुरानी साड़ियों से लहंगे बनाते देखा है और अपनी नानी को वेस्ट पेपर से बास्केट्स बनाते देखा है। वहीं से मैंने अपसाइक्लिंग का कॉन्सेप्ट सीखा एंड मैं भी बचपन में वेस्ट कैलेंडर से शॉपिंग बैग्स बनाती थी। नितिका जब भी मार्केट जाती तो इन्हीं पेपर बैग्स को यूज करती और लोगों को भी मोटिवेट करती पेपर बैग यूज करने के लिए। एक दिन मैं अपनी ज्वेलरी को रीअरेंज कर रही थी और तभी मैंने देखा कि मेरे एक पेयर ऑफ इयररिंग से एक इयररिंग खो गई है। ये इयररिंग मेरे लिए एक्चुअली काफी स्पेशल थी बिकॉज़ ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करी। फिर नितिका ने डिसाइड किया कि वो खुद अपने हाथों से इस स्पेशल ज्वेलरी को ब्रोकन और अनयूजफुल से यूजफुल बनाएंगी। ये एक पर्ल इयररिंग था जिसे मैंने डिसेंबल किया और बाकी अपसाइकिल चीजों के साथ मिक्स करके एक पेंडेंट में कन्वर्ट कर दिया। ये एकदम नया जैसा दिख रहा था एंड मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने अपने एक स्पेशल ज्वेलरी को वेस्ट नहीं होने दिया। नितिका ने फिर कुछ इक्विपमेंट्स ऑर्डर किए, अपनी और आउटडेटेड और ब्रोकन ज्वेलरी निकाली और फिर फ्री टाइम में उसे भी अपसाइकिल करने लगी। इसी तरह मैंने अपने बाकी सिंगल ज्वेलरी पीसेस को भी पेंडेंट में कन्वर्ट कर दिया, ब्रोकन नेकलेसेस के बीड्स को सेपरेट करके न्यू इयररिंग्स बना दिए और कुछ पुरानी बैंगल्स को यूज करके लूप इयररिंग्स बना दिए जो कि आजकल काफी ट्रेंड में है। करते करते नितिका ने अपनी सारी ओल्ड फैशन ज्वेलरी को 50 न्यू आर्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। इससे उन्हें काफी प्राउड फील होने लगा और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने इस विजन को और आगे लेके जाएंगी, जिसके लिए उन्होंने अपने कुछ सेलिब्रिटी फ्रेंड्स को अप्रोच किया। मैंने निशा रावल जो कि एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं, उन्हें अपने इस इनिशिएटिव के बारे में बताया एंड शी वाज रियली हैप्पी। उन्होंने ऑलमोस्ट 5-6 केजीज ऑफ हर वेस्ट ज्वेलरी मुझे सेंड किया। मैं बहुत ही सरप्राइज थी जब मैंने अपनी पुरानी ज्वेलरी को एक नई जान के साथ देखा, यानी कि दे लुक्ड सो प्रिटी, द इयररिंग्स, द नेकलेसेस, ऐसी बहुत सारी जंक ज्वेलरी को उन्होंने न्यू लाइफ दी थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे भी मेरे लिए पोस्ट किया। सिमिलरली दिया मिर्जा, नॉइज साइरसी, इन सब ने मेरे लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करे। जब सेलिब्रिटीज ने उनके पोस्ट को शेयर किया तो और लोगों को पता चलने लगा कि नितिका आर्टिफिशियल ज्वेलरी को अपसाइकिल करती है, तो लोग उनके पेज पे जाने लगे जहां से उनको उनके और ऑर्डर्स मिले। कई लोग अपनी ज्वेलरी रिडिजाइन करने के लिए हमें भेजते हैं जिनसे हम एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज करते हैं और इन ज्वेलरी पीसेस को नया जैसा बना देते हैं। बट काफी लोग हमें ज्वेलरी ऐसे ही सेंड कर देते हैं बिकॉज मे बी वो शायद इन पीसेस से बोर हो चुके हैं। इन ज्वेलरी पीसेस से इतने सुंदर डिजाइन बाहर निकलते थे कि समटाइम्स आई यूज्ड टू वंडर व्हाई वाज दिस इवन अ ट्रैश। एंड इन ज्वेलरी पीसेस को हम अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं वेयर एनीबडी कैन गो एंड बाय देम। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज ज्वेलरी पीसेस इज दैट ईच ऑफ दीज डिजाइन इज वेरी यूनिक एंड आपको ये डिजाइन कहीं मार्केट में नहीं मिलेंगे। अब तक नितिका 100 केजी बेस्ड ज्वेलरी को कन्वर्ट करके 1000 नए यूनिक पीसेस बना चुकी हैं। Isn't that amazing? तो अगर आपके पास ऐसी कोई ज्वेलरी है जो अब आप यूज नहीं करते तो आप नितिका जी से अपसाइकिल करवा सकते हैं या फिर आप नितिका जी को अपनी वेस्ट ज्वेलरी डोनेट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप उनसे इस ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट करें। और अगर आप नितिका जी की अपसाइकिल ज्वेलरी को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। इसी वेस्ट टू वेल्थ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा स्टार्टअप बनर्ट, जहाँ पे हम सिमिलर वेस्ट मटेरियल्स लाइक बैम्बू एंड कोकोनट शेल्स को यूज करके ब्यूटीफुल ज्वेलरी पीसेस एंड डेकोरेटिव आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल रूरल आर्टिसंस। हमारा ज्वेलरी रिसाइकलिंग का सेटअप अभी काफी स्मॉल स्केल पे है बट मैं इस इनिशिएटिव को काफी बूस्ट करना चाहूंगी ताकि इसके जरिए हम अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन को एम्प्लॉयमेंट दे सके और कम से कम वेस्ट जनरेट करें। तो अगर आपको नितिका जी के स्टार्टअप ने इंस्पायर किया है तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में बताइएगा, सो दैट लोग नई ज्वेलरी लेने से पहले अपनी पुरानी ज्वेलरी को अपसाइकिल करने का सोचें। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसा करेंगे तो हम कुछ परसेंट वेस्ट लैंडफिल में जाने से बचा पाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वेंसडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो देट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।